थम गया नॉमिनेशन, अंतिम दिन पैक्स अध्यक्ष व सदस्यों के लिए उमड़ी भीड़। रोहतास जिले के दावत प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहयोग समिति पैक्स का होने वाले चुनाव के अंतिम दिन नामांकन प्रक्रिया में उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़ देखने लायक थी। नामांकन को लेकर सुबह से ही प्रखंड कार्यालय पर गहमा गहमी का माहौल रहा। निर्वाचन कार्यालय के आसपास सुबह से ही सरकारी कर्मियों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती देखी गई। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां अपने प्रस्तावक और समर्थक के साथ निर्वाचन कार्यालय जाकर नामांकन का पर्चा भरा। समर्थक अबीर गुलाल लगाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान सेमरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को होठों पर मुस्कान लाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। किसानों का गाड़ी मेहनत की कमाई का उचित मूल्य सरकार से दिलवाने का काम करूंगा। दूसरी तरफ अपनी जीत सुनिश्चित को लेकर बबनौल पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी बिक्की चौबे ने कहा कि किसानों की सेवा ही हमारी पहचान है। बहरहाल सभी लोग अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि किसमें कितना है दम, किसके सर बनती है जीत का सहरा, यह तो समय की नजाकत है। युवा प्रत्याशी हैं और जीतने के बाद अब किसानों के लिए किस तरह के काम करेंगे? जी, किसानों को मैं आधुनिक कृषि के तकनीकी जानकारी के साथ और हमारे किसान भाइयों के लिए जो भी अच्छा हो कदम कोऑपरेटिव के द्वारा और सरकार के द्वारा जो भी प्लानिंग होगा उसके तहत मैं काम करना चाहूँगा अच्छा से अच्छा। आप पहले से भी पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, जी जी जी। आप अपनी उपलब्धियाँ गिनाइए। जी, मेरी उपलब्धियाँ रही है कि मैं किसानों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किसी कोई भी कारण हो जो जिसमें कि उनको तकलीफ लगे उसका भी मैंने नहीं शोषण होने नहीं दिया है बबनौल पैक्स के किसी भी किसानों को। और हमारे खाद वगैरह उसके बाद धान अधिप्राप्ति में मेरा अच्छा कार्य रहा है, जो कि मेरा अभी बहुत सारा रिवॉर्ड के रूप में कोऑपरेटिव बैंक में कमीशन के रूप में। किसानों को होठों पर मुस्कान लाने के लिए आपकी कौन से पहला प्राथमिकता होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि किसानों को एक अच्छा प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं कार्य करते हुए किसानों को जो नई तकनीकी आ रही है आधुनिक तकनीकी उसको अपने गाँव में। ये अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम विक्की चौबे हुआ। धन्यवाद टीवी चैनल से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। और रूबिल पे पत्रकार बंधु, गार्जियन, बड़े भाई, सभी लोग, हमारे समर्थक और प्रस्तावक शिवजी भाई और तिलेश्वर भैया, इन लोग के द्वारा मेरा नॉमिनेशन किया गया है। और मेरे कृषक का काम है पब्लिक में खाद पहुँचाना और खाद देना, बीज देना, है ना, और जो भी धान अधिप्राप्ति का है उसका उचित मूल्य देना मेरा कार्य है। इस संबंधित हम अपने कार्यों में सभी लोग के बीच जितने भी गार्जियन मेरे यहाँ उपस्थित है, इन लोग हमारे कार्यों के उपलब्धि को गिनती करेंगे और बताएंगे आपको कि मैंने क्या किया है। जनता जीत की सहरा आपके सर पर बांध देती है, तो जनता के होठों पर मुस्कान लाने के लिए क्या पहल करेंगे आप, किस तरह की? मैं अभी धान अधिप्राप्ति में पूरे किसानों को धान को जितनी भी उचित मूल्य होगा मैं यहाँ वही धान का मूल्य उचित दिलाऊंगा और दूंगा। क्षेत्र में महिलाओं की क्या पोजीशन है, किस तरह का सपोर्ट है आपके प्रति? बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट है, महिलाओं की बहुत सारी आई हुई हैं, महिला भी यहाँ जुटी हुई है, बहुत लोग भी हैं साथ में हैं, उन लोगों की भी बहुत मेरे प्रति है, मेरे समर्थक और प्रस्तावक भी हैं, महिला लोग भी हैं और मेरे सदस्य भी हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी महिला भी हैं, अति पिछड़ा से पिछड़ा और अनुसूचित जनता सभी से सभी लोग। इन दिनों धान के खरीद बिक्री के लेकर के कुछ परेशानी भी सामने आ रही है, उसको कैसे दूर करेंगे आप? वो हम लोग दूर कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसानों की। जब सरकार मुझे इस जगह पहुँचा देगी तो उसकी समर्थन मूल्य सरकार देगी, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, सरकार उचित मूल्य देगी। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह, ग्रामपुर शेमरी, थाना दावत, जिला रोहतास का निवासी हूँ। सत्येंद्र बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी चैनल से बातचीत करने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।